ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 18/9/68 का। नई दुनिया के लिए क्या नई चीजें सुनाई हैं? अभी नई दुनिया का आवाज भी तुम सुनते हो और आवाज भी तुम करते हो। मनुष्य तो नई दुनिया को ख्याल में भी नहीं ला सकते, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो तुम बच्चों को बहुत धैर्य से और युक्ति से चलना होता है। तुम्हारी बात कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि तुम गुप्त अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और इसमें खास है पवित्रता की बात। बच्चे भी ऐसे कहते हैं कि बाबा हमको पावन बनाओ। तो जब बाप पावन बनाने आते हैं तब बनते नहीं हैं। कोई कोई तुम्हारे जैसे तो होंगे, वो तो समझेंगे हमने ही बाप को बुलाया है। अभी बाप कहते हैं ऐसे पावन बनो, तो नई दुनिया के मालिक बनो। वो लोग तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष अर्जुन पड़े हैं। समझते हैं कि हम 40,000 वर्ष बुलाते रहेंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। अभी वो तो कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे। फिर अचानक मौत आ जाता है। जो कुछ होना है कल्प पहले मिसली होना है। हाँ, धीरे धीरे नंबरवार सब समझते जावेंगे। बाप कहते हैं अभी भक्ति मार्ग का अंत है, मैं ज्ञान से सदगति करने आया हूं। ज्ञान से काहे की सदगति होती है? देह की सदगति होती है, देह के 5 तत्वों की सदगति होती है, या आत्मा की सदगति होती है? ज्ञान चैतन्य आत्मा ही समझती है। तो चैतन्य आत्माओं की सदगति ज्ञान से ही होती है। सच्ची गति है सदगति। आत्मा ऊपर उड़ती है तो कहेंगे सदगति। 5 तत्वों की दुनिया से उपराम होती जाती है तो कहेंगे सदगति। और 5 तत्वों की दुनिया में अटैचमेंट बढ़ता जाता है। 5 तत्वों के बने हुए शरीर में अटैचमेंट बढ़ता जाता है तो कहेंगे दुर्गति। सदगति के लिए ऐसे नहीं कहते हैं कि भक्ति को छोड़ो, क्योंकि भक्ति करने से तो भगवान मिलता है और भगवान से ज्ञान मिलता है। तो भक्ति को छोड़ने की बात कोई से नहीं कहना है। कहना है भगवान आया हुआ है, भगवान ज्ञान से सदगति देते हैं, तो आ करके भगवान के ज्ञान को समझो। तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। ये बात सबकी समझ में आ ही जाएगी कि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति के अंधेरे में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, ठिकानों में, भांति भांति के गुरुओं के पास ठोकरें खाते आए हो। अज्ञान की रात में थे ना, तो कहेंगे कि भक्ति भी रात में ही करते हैं। रात और दिन, अज्ञान और ज्ञान, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। एक तरफ जरूर करना पड़ेगा। भक्ति और ज्ञान दोनों चल नहीं सकेंगे। कोई कहे हम भक्ति में भी चलते रहेंगे और ज्ञान में ही चलते रहेंगे, तो दो नाव में पैर रख नहीं सकेंगे। दो नाव में पैर रखने वाले का क्या हाल होता है? दोनों टांगे चिर जाएंगी। कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो एक तरफ आना पड़े। जब ज्ञान का नशा चढ़ेगा तो आप ही एक तरफ आ जाएंगे। भक्ति है कर्मकांड, दान करो, पुण्य करो, यात्राएं आदि करते रहो। बाप कहते हैं ये दान पुण्य यात्राएं आदि करने से कोई भी मेरे से वर्षा नहीं ले सकता। कोई को भी सुख शांति का वर्षा नहीं मिल सकता। मेरा वर्षा पाना है तो मेरा बच्चा बनना पड़े। जैसे कोई आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, पुराने बाप का घर परिवार छोड़ती है, तो नए घर में जाकर जन्म लेती है। नया बाप, नया परिवार मिल जाता है तो वारसदार बन जाता है। तो ऐसे ही है, मेरा बच्चा बनने से ही वर्षा पा सकेंगे। वो भक्त लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अब सर्व का बच्चा बनेंगे क्या? वो भक्त लोग तो बाप को समझते ही नहीं है। यहाँ तो बाप को पहचान करके लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़ती है। कौन से लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े? जो कुल नाश होने वाला है, जो दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, उस दुनिया की लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़े। जो नई दुनिया सामने खड़ी है, तीसरे नेत्र से सामने दिखाई देती है, उस दुनिया की लोक लाज कुल की मर्यादा का ध्यान रखना पड़े। वो है कलयुगी कुल की मर्यादा। कहेंगे विकार में जाओ, शादी में जाओ, मुरादी में जाओ। इसको कहेंगे पुराने कुल की मर्यादा। मीरा का मिसाल भी देते हैं। मीरा की दिल कृष्ण से लग गई। कहती थी कि हमारा कृष्ण तो निर्विकारी है, फिर हम विकारियों के साथ कैसे बनेगी? घड़ी घड़ी ध्यान में चली जाती थी, परंतु वहाँ ज्ञान की बात नहीं थी। मीरा तो भक्तिन थी, ज्ञान से भगवान को नहीं पहचाना। बस साक्षात्कार हुआ, अल्पकाल की खुशी मिल गई। भगवान बाप से तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है, सदा सुख का वर्षा मिलता है। तो मीरा कोई सुख की दुनिया में थोड़ा ही चली गई, फिर भी जन्म तो इस पुरानी दुनिया में ही लेना पड़े ना। तो ऐसे भक्त बहुत हैं जो साक्षात्कार करके खुश होते रहते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि साक्षात्कार से कोई सदगति नहीं हो सकती। साक्षात्कार नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये अल्पकाल की खुशी है। ये कोई बाप की पहचान नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई है। बाप आते हैं सदगति का रास्ता बताने, तो टीचर बन करके पढ़ाते भी है। तो यहाँ पढ़ना है और बाप से योग लगाना है। और योग तो वास्तव में चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, योग तो सब लगाते हैं। योग माना याद। छोटा बच्चा भी होगा तो माँ को याद करेगा, बड़ा होगा साथियों को याद करेगा, स्कूल में पढ़ाई पड़ेगा, टीचर को याद करेगा, सगाई हो जाएगी, घरवाली को याद करेगा। चलो सन्यासी हो जाता है कोई तो भी याद तो कोई न कोई की आती रहती है ना। तो भक्तों, वैरागी हो, राजा हो, रंक हो, याद तो कोई न कोई की आती ही है, परंतु किसकी याद करना है? दुख देने वाले को तो कोई भी याद नहीं करता। याद किसको करना चाहिए? सुख देने वाले की याद आती है। एक होता अल्पकाल का सुख और एक होता सदा काल का सुख। तो देखना है कि सदा काल का सुख देने वाला कौन है? कौन है ऐसा जिसको सारी दुनिया याद करती है? कोई भी धर्म का फॉलोअर हो, भगवान को तो सब याद करते हैं। तो जरूर भगवान से वर्षा मिला होगा। हर आत्मा को जो भगवान से सुख का वर्षा मिला है, ऐसा वर्षा कभी भी किसी से नहीं मिला। इसलिए हर मनुष्य आत्मा भगवान को याद करती है। तो योग नहीं, याद कहना चाहिए। कोई बैरिस्टर द्वारा पढ़ेंगे तो बैरिस्टर याद आवेगा? ये सूक्ष्म बात है। अभी तुम आत्माओं का योग है परमपिता परमात्मा बाप के साथ। वो झूठे टीचर से योग लगावेंगे, वो गुरु भी झूठे और चेले भी झूठे, क्योंकि सदगति तो कोई दे ही नहीं सकते। भक्ति मार्ग में समझते हैं गुरु करने से सदगति होगी, परंतु सदगति तो कोई की होती नहीं है। सब गिरती कला में जन्म लेते रहते हैं। द्वापर में गिरते गिरते कलयुग में आ गए। तो गुरु करने से कोई सदगति थोड़ी मिल जाती है, वो भी तब मिले जब गुरु 100% सच्चा मिले। इसलिए कहते हैं सच्चा सदगुरु शिव भगवान। तो वो गुरु लोग सदगति नहीं दे सकते। वो तो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं। जो भी शास्त्र हैं वो दुर्गति में जाने वाले मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। तो उनसे सदगति कैसे मिलेगी? और बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ाते ही नहीं हैं। यज्ञ, तप, व्रत, नेम आदि भक्ति मार्ग में बहुत रखते आए हैं। इन सभी बातों से बाप कहते हैं मेरे से कोई भी पूरा वर्षा नहीं ले सकेंगे। भक्ति छोड़ी नहीं है और फिर ज्ञान भी लेते हैं। तो फिर उस तरफ भारी हो जाएगा। नीचे गिर जाएंगे। तो व्रत नेम से कोई पाप विनाश नहीं होंगे। फिर सजा खा करके थोड़ा पद पा लेंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं ज्ञान का वजन बहुत भारी है, इसलिए स्वर्ग में आ जावेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि भक्ति करना ये कोई विकार नहीं है, भक्ति करने को विपरीत कार्य नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कोई से भक्ति करने के लिए मना नहीं करते हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञान सुनना चाहता है तो सुनाना चाहिए। ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। हाँ, ये कहते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी कहना ये विकार है, ये पाप है, ये कोई पुण्य नहीं है। क्यों क्यों पुण्य नहीं है? क्योंकि दूसरों को कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, तो जो सुनेगा, विश्वास करेगा, उसकी बुद्धि भटकेगी या एकाग्र होगी, भटक जाएगी। बाकी ये कहते हैं कि भक्ति मार्ग के व्रत नियम आदि रखना पाप नहीं है। परंतु वो कोई ज्ञान भी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई को फॉलो करेंगे तो सत्ययुग में आ जाएंगे। सत्य बाप ही है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सच्चा बाप सच्ची बात सुना करके सतयुग की स्थापना करते हैं, और सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के कारण स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर ये भक्ति भी छोड़ते जाएंगे तो अच्छा पद पा लेंगे। बाबा खुद भी कहते हैं घर में अगर झगड़ा हो, कोई नाराज होता हो, तो युक्ति से नाम मात्र पूजा करते रहो, दिखावा करते रहो। ऊपर ऊपर से दिखावा कर दो कि हम मंत्र बुदबुदाते हैं, बोलते रहो, ओठ चलाते रहो, पूजा का ढोंग करते रहो, अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो। दिखावा करने के लिए, भक्ति करने के लिए मना नहीं है, ये युक्ति है, इसमें कोई हर्जा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। नहीं, मूल बात है विकार में नहीं जाना है। क्या विकार में नहीं जाना है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि भक्ति मार्ग के कर्म कांड करके भले दिखाते रहो, मन बुद्धि से उपराम रहो अथवा बाप को याद करते रहो, परंतु कर्मेंद्रियां विकार में आसक्त नहीं होनी चाहिए। अगर मन बुद्धि से कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए विकारों में लागत चली गई, मन बुद्धि विकारी बनती गई तो दोष लग जाएगा। तो बाप कहते हैं व्रत नियम आदि रखने से कोई पतित नहीं बन जावेंगे। हाँ, विकार में जाने से पतित बन जावेंगे। व्रत नियम रखना तो फिर भी अच्छा है, कोई तंदुरुस्ती के लिए भी व्रत नियम रखते हैं तो इससे कोई पाप नहीं चढ़ता है। इसको कहा जाता है रिलीजन इज माइट। तो मुख्य है पाप की बात काम विकार पर। इस काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जावेंगे, अर्थात स्वर्ग में आ जावेंगे। फिर जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाते रहेंगे। कोई सर्विसेबल बन करके आप समान बनावे तो महाराजा महारानी भी बन सकते हैं। इसमें मार्जिन बहुत है। मंदिर में जाना, ग्रंथ पढ़ना, जप साहब आदि पढ़ना, ये कोई बुरा काम नहीं है। काम तो अच्छा है। ऐसा करने से कोई पाप नहीं बनेगा। हाँ, ज्ञान में मूल बात है विकार में जाने की। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो गुप्त रहते हैं, किसको भी पता नहीं पड़ता है कि ये ज्ञान में चलते हैं। न परिवार वालों को पता चलता है, ये ज्ञानी है, इन्होंने भगवान बाप को पहचान लिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो अंदर का महामंत्र है, तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त है। बेहद का बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो उस योग आग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जावेंगे। और बाप का जो वर्षा है सुख और शांति वो सहज ही पाए लेंगे। इसमें आर्ग्यू करने की कोई दरकार नहीं है। सिर्फ बोलो कि बाप हमको ऐसे ऐसे कहते हैं। सभी आत्माओं का बाप हमको कहते हैं कि मुझे याद करो। वो आत्माओं का बाप है। जीवधारियों का बाप नहीं है, मनुष्यों का बाप नहीं है। कहने वाला कौन है? आत्माओं का बाप। वो कहते हैं मैं पतित पावन हूं, पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला हूं। 1868 की वाणी का दूसरा पेज। तो मुझे याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। भक्ति मार्ग में तो ढेर प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कहते हैं ये जो ज्ञान तुम सुनाते हो ये शास्त्रों में तो नहीं है, तो बोलो शास्त्र तो मनुष्य गुरुओं ने लिखे हैं, हम तो आपको भगवान वाच सुनाते हैं कि अपन को आत्मा समझो और माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा समझने की बात है, आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आत्मा की पहचान बाप ही आकर के देते हैं, जो आत्माओं का बाप है। कोई भी मनुष्य मात्र आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता, तो आत्मा को रियलाइज करना चाहिए। हु एम आई, ये पहचान बाप देते हैं। कहते हैं कि आत्मा पार्टधारी है, वो पार्टधारी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आती है, 84 जन्म लेती है, 84 कपड़े पहनती है। तो आत्मा को अपने पार्ट का ज्ञान होना चाहिए। जो बाप के बच्चे बनेंगे तो बाप ज्ञान का सागर है, बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बनेंगे। पहले पहले तो आत्मा को अपने पार्ट की पहचान चाहिए, नहीं तो बाप कहते हैं कि जो पार्टधारी अपने पार्ट को नहीं जानता, भूल जाता है, वो बेवकूफ पार्टधारी है। तो बाप आकर के हमको पहचान देते हैं, हे आत्माओं तुमने कब कब कैसे कैसे पार्ट बजाया है, वो रियलाइज करो। ऐसे मनन चिंतन मंथन में रहेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये कहने से कब कोई बिगड़ेंगे नहीं। आखिरी अंत में भी बाप कहेंगे अब तुमको जास्ती क्या समझावे, आखिरी अंत में बतावेंगे मन मना भव, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा बीज की याद में टिकेंगे तो बीज का विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। देह की याद करते रहेंगे, देह के संबंधियों को याद करते रहेंगे, देह के पदार्थों में बुद्धि धरी रहेगी, तो आत्मा बीज रूप स्टेज में कभी नहीं टिकेगी। और जब बीज परिपक्व स्टेज को प्राप्त नहीं होगा तो 84 जन्मों का राज कैसे पता चलेगा, विस्तार का पता नहीं चल सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, बस। जास्ती प्रश्न उत्तर में जाने की दरकार नहीं है। तो मूल पुरुषार्थ क्या हुआ? विस्तार में जाने का मूल पुरुषार्थ हुआ या बीज रूप सार रूप स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ हुआ। जितना जितना बीज रूप स्टार में टिकते जावेंगे उतना उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। बहुत ट्यू मच आर्गू आदि करने से गला रुंध जाता है, तो तुम बच्चों को जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, कोई से भी आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। बोलो ऊंच ते ऊंच बाप एक है, उस ऊंच ते ऊंच बाप को पहचानो। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को याद करो। मैं आत्मा अपने बाप को याद करती हूँ तो पाप भस्म होते रहेंगे और सतोप्रधान दुनिया के मालिक बन जावेंगे। यहाँ प्रदर्शनी अच्छे स्थान पर होती है तो बच्चों को मिलकर के मदद करनी चाहिए। विवेक कहता है हमको अच्छा स्थान मिला है, तो बच्चे उस अच्छे स्थान पर जाकर के जरूर समझावेंगे। तो वो अच्छे स्थान की मदद मिल जाएगी, वो जगह हमेशा के लिए मिल जाएगी। बाबा की तो दिल होती है, उनको जा करके समझा करके मक्खन निकाल करके देऊं। अरे यह तो विश्व को मालिक बनाने की युक्ति बताते हैं, अनेकों का कल्याण हो जाएगा, तो उनकी आशीर्वाद तुमको मिल जाएगी। तो युक्ति से तुम बच्चों को मकान हासिल कर लेना चाहिए। ईश्वरीय सेवा में व्यक्ति का पुरुषार्थ जरूरी है। जैसे व्यक्ति जरूरी है वैसे स्थान का भी महत्व है। तो जो दूरंदेश वाली बुद्धि वाले बच्चे होंगे वो अच्छा स्थान को झट ग्रहण कर लेंगे और भागेंगे सर्विस के लिए। ऐसे भी नहीं कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, नहीं, हर एक बच्चा जिम्मेवार है। जो जितनी जिम्मेवारी उठावेंगे ऊंच पद पावेंगे। बेहद की सर्विस में रहना पड़ता है, तो जहां जहां सर्विस देखो वहां फट से भागना चाहिए, बोलना चाहिए कि वास्तव में सारी महिमा एक ही बाप की है। बाकी इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की महिमा नहीं है, न राम की महिमा है, न कृष्ण की महिमा है, न इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं की महिमा है। क्यों क्यों नहीं महिमा है? क्योंकि ये तो सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के बाद जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते जाते हैं। जो खुद ही नीचे गिरते जाते हैं उनकी हम महिमा क्या करेंगे? जो खुद ही दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं उनकी महिमा क्या करें? तो बताना चाहिए कि ऐसा कौन है जो इस दुनिया में आता भी है और आने के बावजूद भी कोई के प्रभाव में नहीं आता है, कोई के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। कभी किसी की प्रजा नहीं बनता, कभी किसी के अधीन नहीं होता, वो सदा स्वाधीन रहने वाला है, स्वाधीनता का पाठ पढ़ाने वाला है। वो बाप आकर के कहते हैं स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अपन को आत्मा समझो। वो परमपिता परमात्मा सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है। पतित दुनिया में आता है, पतित शरीर में आता है, फिर भी आत्म की स्टेज को नहीं छोड़ता, सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। जो निराकारी वो निर्विकारी और निरहंकारी भी है। तो वो बाप कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसी स्टेज धारण करनी है। अब जो जितना धारण करे, थोड़े समय का पुरुषार्थ ही तो थोड़े समय की प्राप्ति, लंबे समय का पुरुषार्थ ही होगा तो प्राप्ति भी लंबे समय की होगी। तो बाप कहते हैं सारी महिमा मुझे एक बाप की है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं जप साहब को तो सुख मिले। तो कौन सदा सुख देने वाला है? कहते हैं एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्त। तो कहेंगे एक महिमा बाप की है। सर्विस में जावे तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, सभी तरफ जाना चाहिए और राय देना चाहिए, फिर कोई तुम्हारी बात माने या ना माने। कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो उनके ऊपर बिगड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बिगड़ना चाहिए? हैं? कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, सच्चाई का विरोध करता है और ही झूठी बातें बनाता है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, है? मुकाबला नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो आगे चल करके ऐसा समय आने वाला है, समय को काल कहा जाता है। चारों तरफ दुनिया में काल मंडराएगा। भक्ति मार्ग में लिखा हुआ भी है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुं दिस काल फिरे। जब सबके सर के ऊपर काल मंडरावेगा तो सब की बुद्धि में आ जावेगा। अभी कोई माने या न माने तो कोई भी बात पर तुमको नहीं बिगड़ना है। बड़ी धैर्य चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। किसी वाणी के कुछ छूटे हुए पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं। बाप कहते हैं हम तुमको गोरा सुंदर बनाने आया हुआ हूँ, तुम सुंदर बनने के बजाय फिर और ही गटर में गिर जाते हो, काला मुंह कर देते हो तो कैसे चलेगा। भक्ति मार्ग में राम को भी काला दिखाते हैं, परंतु राम को कृष्ण को काला दिखाने वाले समझते थोड़े ही हैं कि वो काला क्यों है। कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। अभी बाप इन काले मुंह वालों का भी राज समझाते हैं कि मंदिरों में इन काले मुंह वालों की पूजा क्यों करते हैं। काला मुंह करना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? ये तो खराब बात है। राम का भी काला मुंह, कृष्ण का भी काला मुंह, जगन्नाथ का भी काला मुंह, श्रीनाथ का भी काला मुंह। ऐसा काला क्यों दिखाते हैं? क्या राज है? कहाँ की यादगार है? क्या संगम युग की यादगार है? संगम युग में तो बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें गोरा बनाने आया हूँ, फिर संगम युग में काला मुंह बनने की क्या बात है। काले मुख वालों की पूजा क्यों करते हैं? पूजा पवित्र की जाती है, गोरे को पवित्र कहा जाता है। कलमुहा को अपवित्र कहा जाता है। तो काले मुंह वालों की पूजा करनी चाहिए क्या? इसका क्या राज है? जो भक्ति मार्ग में काले मुंह वाले देवताओं की भी पूजा करते हैं, पूजा का रहस्य क्या है? है पवित्रता। तो संगम युग में जो काला मुंह वाले हैं उन्होंने ऐसा क्या पवित्रता का कार्य किया जो उनकी पूजा होती है। मंदिरों में पधरामनी करके पूजा करते हैं। हजार वर्ष का ड्रामा है, उस 5000 वर्ष के ड्रामा में मनुष्य आत्माएं जन्म बाई जन्म नीचे गिरती जाती है, गोरे से काली बनती जाती है या बीच बीच में गोरी बनती है, हैं? दिन ब दिन जन्म बाई जन्म काली बनती है या गोरी बनती है? काली ही बनती जाती है। तो जब ब्रॉड ड्रामा में काली बनती है तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में, शूटिंग होती है ना ड्रामा की, रिहर्सल होती है, तो उस रिहर्सल के टाइम पर काली बनेगी या गोरी बनेगी? क्यों? भगवान बाप आया हुआ है, काली क्यों बनेंगी? भगवान बाप आया हुआ है, इतना ज्ञान सुना रहा है, तो काला बनना चाहिए या गोरा बनना चाहिए? है गोरा बनना चाहिए, फिर काली क्यों बन रही है? हाँ, जैसा संग वैसा रंग। जब तक बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि हम अपना संग बदल देवे, ज्ञान भी है काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी हो उसमें काजल ही काजल भरा हुआ है सूखा, और उसमें से एक दरवाजे में से घुसकर दूसरे दरवाजे से कोई पास होना चाहिए, तो काजल की लीक लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये दुनिया में भले ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया है, भगवान बाप आया हुआ है, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? काली दुनिया में रहते हैं या गोरी दुनिया में रहते हैं? पतितों के बीच में रहते हैं या पावन देवताओं के बीच में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हैं? पतितों के बीच में रहते हैं। तो पतितों का संग जरूर लगेगा। नीचे गिरने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। कब तक? जब तक बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि संग का रंग जरूर लगता है। तो क्या करना चाहिए? है? भक्ति मार्ग में गाते तो हैं, एक संग जोड़ और अनेक संग तोड़। एक का संग करेंगे तो क्या होगा? सदगति होगी, और अनेकों का संग करेंगे तो दुर्गति होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, कौन सी दुनिया के संग के रंग में रंग रहे हैं? है? अरे कौन सी दुनिया के संग के रंग में रंग रहे हैं? ब्राह्मण की दुनिया में रंग रहे हैं 24 घंटे। है? दुनिया, काली दुनिया के संग के रंग में नहीं रंग रहे हैं। 500-700 करोड़ मनुष्यों की जो दुनिया है, पतित मनुष्यों की जो दुनिया है, उनका वाइब्रेशन ज्यादा फैल रहा है या ब्राह्मणों का वाइब्रेशन ज्यादा फैल रहा है? हैं? जो मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं, उनका वाइब्रेशन भी संगठित नहीं है। संगठित है? हैं? नहीं है, तो उनका वाइब्रेशन काम नहीं कर सकता। संगठित तब होगा जो अभी बताया, कैसा स्थान ले लेना चाहिए जिस स्थान पर वायुमंडल बन सके। एक स्थान पर संगठित होकर के रहेंगे, प्रैक्टिकल में पारिवारिक व्यवस्था बनाएंगे, तो उसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए अवस्थाएं नीचे गिरती चली जा रही है, क्योंकि बुद्धि में बैठा नहीं है कि संग तारे कुसंग बोरे, सत्य संग क्या होता है और लत संग क्या होता है। 24 घंटे लत संग में पड़े हुए हैं या सत्संग में पड़े हुए हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? हैं? लत संग में पड़े हुए। 1 घंटे क्लास कर लिया, वहां भी पता नहीं बुद्धि कहाँ की कहाँ भागी भागी फिरती है। तो उससे कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो भी पुरुषार्थी हैं पतित दुनिया के संग के रंग में रहते हुए भी पतितों से प्रभावित हो जाते हैं या प्रभावित होने से बचे रहते हैं है? अपने अपने दिल के अंदर देखें, पतित दुनिया से प्रभावित बनकर के प्रजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। अभी राजाई किसकी चल रही है दुनिया में? पतितों की चल रही है या पावन की चल रही है? रावण की राजाई चल रही है। तो रावण की दुनिया में रह करके पतितों की दुनिया के बीच में रह करके उनसे प्रभावित न हो, क्या मुकाबला करता रहे, हिम्मत न हारे। क्या बोला? हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अपने अंदर देखना है कि दुनिया के जो रीति रस्म रिवाज है, भक्ति मार्ग के जो कर्म कांड है, भक्ति मार्ग की विकारी वासनाएं हैं, उनसे हम कितना प्रभावित होते हैं। और कितना हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। सेवा के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादातर ब्राह्मण यही चिल्लाते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी बात कोई मानता ही नहीं। तो दुनिया हमसे प्रभावित होती है या हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं? है? हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं। और जब तक हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ ऊंचा नहीं जा सकता। क्या नहीं? तो बाप कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उनके ऊपर माया जितना जास्ती अटैक करती है, उनका पुरुषार्थ और ही दिन दूना रात चौगना तीखा होता जाता है। वो माया भी दुनिया से घबराने वाले नहीं है। धर्मराज की सजाएं खाने वाले नहीं है। और यहां धर्मराज की सजाएं नहीं खावेंगे माया से टकराते रहेंगे। माया और प्रकृति के आधीन नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ को लगातार चालू रखेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी जो पतित बनाने वाले दुनिया है उससे टकराते रहेंगे या उनके बसीभूत हो जावेंगे। टकराते रहेंगे। तो ऐसे टकराने वाले बच्चे बाप को प्रिय हैं। जो अंदर से कभी भी हिम्मत नहीं हारते, बाहर से भले दिखावा करें, भक्ति मार्ग के टंट घंटा पनाते रहें दुनिया वालों को खुश करने के लिए, लेकिन मन से कभी भी बाप को छोड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। तो ऐसी हिम्मत रखने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं। बल ये तो जानते हैं कि माया किसी को छोड़ती नहीं है। किसी को छोड़ देती है क्या? है? नहीं। कोई कितना भी टकराने वाला हो, आखिरी माया एक बार जरूर सबको हराती है। बड़े बड़े धर्म पिताएं क्यों न हो, रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, धर्मराज की सजाएं भी न खाने वाले अष्टदेव ही क्यों न हो, आखिरी अंतिम जन्म में माया उनको भी नहीं छोड़ती। परंतु फिर भी बाप तो लंबे समय का पुरुषार्थ देखेंगे कि लंबे समय तक किन्हों किन्हों बच्चों ने हिम्मत धारण करके रखी, हिम्मत छोड़ी नहीं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। अंत में उन बच्चों की नंबरवार मदद करने के लिए बाप खड़ा हो जाएगा और वो बच्चे बाप से वर्षा प्राप्त कर लेंगे। तो काले मुंह का रिजल्ट क्या हुआ? काले मुंह वालों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि काला मुंह होते हुए भी उन्होंने पुरुषार्थ करने के हिम्मत को त्यागा नहीं। हिम्मत बाप के साथ सदैव काबिज रखी, इसलिए उनकी पूजा होती है। जितना तीखा पुरुषार्थ होगा, निरंतर पुरुषार्थ होगा, काहे के लिए? पवित्र दुनिया बनाने के लिए। उतना बाप अंत में मददगार बन ही जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय कब पावेंगे? जब विजय का मूल मंत्र क्या है? निश्चय बुद्धि विजयते। ओम शांति।